एमआईके टीम को आईपीएल 2024 के ऑक्शन के अंदर स्पिनर्स की भी नीड रहने वाली है, क्योंकि आईपीएल 2024 के सीजन के अंदर मुंबई इंडियंस की टीम के पास में कुछ इतने खास स्पिनर्स मौजूद नहीं थे जो कि एमआईके टीम को विकेट दिलाकर दे। मात्र पीयू चावला ने अच्छा परफॉर्मेंस किया एमआईके टीम के लिए एज अ स्पिनर। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसे स्पिनर्स के नाम बताने वाले जिन्हें एमआईके टीम अपनी टीम के अंदर हमें शामिल करते हुए दिखने वाली है आईपीएल 2024 के सीजन के लिए। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हो मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2024 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खास आईपीएल से वीडियो हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी मुंबई इंडियंस की टीम के बहुत बड़े वाले फैन हो तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आसानी से मिलने वाला है, तो जाइए फटाफट। अभी तक आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं पहले स्पिनर की, उस खिलाड़ी का नाम है कुलदीप यादव। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव से एमआईके टीम संपर्क में आ चुकी है और एमआईके टीम कुलदीप यादव को अपनी टीम के अंदर इंक्लूड करना चाहती है। एमआईके टीम ने डीसी की टीम को प्रपोजल भी दे दिया कि डीसी की टीम के अंदर टीम से हमें कुलदीप यादव एमआईके टीम के अंदर ट्रेड होते हुए दिखे। ये प्रपोजल दिया एमआईके टीम के ओनर्स ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, कुलदीप यादव को एमआईके टीम के अंदर आना चाहिए या फिर नहीं, तो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर हमें इसकी घोषणा भी होते हुए दिखने वाली है। सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही पता चलने वाला है, तो फटाफट जाकर फॉलो कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले स्पिनर की, उस खिलाड़ी का नाम है वरुण चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती अभी केकेआर की टीम का हिस्सा है और एमआईके टीम को मिस्टर स्पिनर की नीड है, जो कि दोस्तों विकेट टेकर गेंदबाज रहते हैं, विकेट टेकर स्पिनर्स रहते हैं। वरुण चक्रवर्ती भी उनमें से एक है। एमआईके टीम चाहती है कि वरुण चक्रवर्ती एमआईके टीम के अंदर आ जाए। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव, इन दोनों में से कौन से खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस की टीम को अपनी टीम के अंदर शामिल करना चाहिए, तो आप अपनी राह में कमेंट बॉक्स में कमेंट का जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, मुजीबुर रहमान से भी ये टीम संपर्क में आ चुकी है कि आखिर आईपीएल 2024 का सीजन मुजीबुर रहमान खेलेंगे या फिर नहीं, या फिर अवेलेबल रहेंगे या फिर नहीं। मुंबई इंडियंस की टीम अगर मुजीबुर रहमान को खरीदती ऑक्शन के अंदर, तो एमआईके टीम विदेशी स्पिनर्स के पीछे भी हमें जाते हुए दिखने वाली है। एडम जाम्पा के पीछे टीम जा सकती थी, लेकिन इनका काफी खराब परफॉर्मेंस रहा है राजस्थान की टीम के लिए, तो हमें दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम मुजीबुर रहमान के पीछे जाते हुए दिखने वाली है। और अभी वनडे सीरीज में श्रीलंका और जो अफगानिस्तान की वनडे सीरीज है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मुजीबुर रहमान का आ रहा है, तो एमआईके टीम मिस्टर स्पिनर मुजीबुर रहमान को और दोस्तों वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, इन तीन स्पिनर्स में से हमें किसी एक स्पिनर को अपनी टीम के अंदर शामिल करते हुए नजर आ सकती है। वैसे किसके ज़्यादा चांसेस है, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को पर तो आपको ऑलरेडी पता चलने वाला है, तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।